किचन। आज हम लोग बनाएंगे मूंग दाल करेला और लौकी डाल के, इसको तेतोट दाल बोलते हैं। इसके लिए जो सामग्री हम लोगों को चाहिए, मूंग की दाल, लौकी ऐसे डाइस में कटे हुए, करेला ऐसे गोल गोल काट ले आप, अदरक किसा हुआ, दो तेज पत्ते, सूखी लाल मिर्च 3-4, नमक, सरसों के दाने, हल्दी, सौंफ, मेथी के दाने, सरसों का तेल। चलिए सबसे पहले हम लोग मूंग दाल को सूखी कढ़ाई में ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो अच्छे से भुने, जब तक मूंग दाल की भुनी हुई अच्छी सी स्मेल जो खुशबू है वो बाहर नहीं आ जाती, तब तक हम लोग इसको सूखा भुनेंगे। आप देख सकते हैं 2-3 मिनट हो गए हैं, मेरे को लगातार चलाते हुए मैं मूंग दाल को भून रही हूँ। देखिए मूंग दाल अब अच्छे से भुजा रही है, इसमें से मूंग दाल भुजी हुई अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। अब हम लोग इसमें पानी डालेंगे। अब उतना पानी डाल दें जितना का हम लोग को मूंग दाल को पकाने के लिए चाहिए। इसमें अब थोड़ा सा नमक डाल लें तो जल्दी पकेगा। अब इसमें अब ये मूंग दाल को पकने देंगे जब तक मूंग दाल नरम नहीं पड़ जाते। जो मूंग की दाल है वो पक चुकी है, ये देख लीजिए। अब इसमें हम लोग लौकी के जो कटे हुए टुकड़े थे ये सब हम डाल देंगे और इसको पकने देंगे इसी दाल में। और इसी समय हम लोग ऐड कर लेंगे इसमें थोड़ी सी हल्दी पाउडर और इसको मिला लेंगे और इसको लौकी को पकने देंगे जब तक लौकी सॉफ्ट नहीं पड़ जाए। दाल में आपकी लौकी उबल रही है तब तक हम लोग करेले को फ्राई कर लेंगे। इन सबको अच्छा सा लाल करारी भून लेंगे करेले को। थोड़ा सा इसमें डाले हल्दी पाउडर, थोड़ी सी नमक। देख सकते हैं ये करेले जो है अच्छा करारी लाल फ्राई हो गई है। अब इसको हम लोग उतार लेंगे। इतने समय में हमारा लौकी भी अच्छे से दाल में नरम पड़ गया है, उसको हम लोगों ने ऐसे कटोरी में निकाल लिया है दाल को लौकी के साथ। अब इसी में हम लोग ये जो करेला फ्राई किए हैं इसको इसमें मिला लेंगे। ये करेले को निकालें और इसको इस दाल में डाल लें। करेला हम लोगों ने डाल लिया है, इसके बाद थोड़ा सा अदरक जो किसा हुआ है थोड़ा सा इसमें से हम लोग डाल लेंगे। हम लोग बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे, जो करेला फ्राई का बचा हुआ तेल था उसी तेल में ही हम लोग 3 तेज पत्ते डालेंगे और ये सूखी मिर्च 5-6 डाल लेंगे और इसको अच्छे से। देखिए जैसे ये फ्राई हो गया, अब इसमें हम लोग डाल लेंगे थोड़ी सी सौंफ, थोड़ा सा मस्टर्ड यानी कि सरसों और बिल्कुल थोड़ी सी मेथी के दाने। अब इन सबको एक साथ थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे और साथ ही साथ इसमें हम लोग डाल लेंगे बिल्कुल थोड़ा सा इतना सा अदरक, इसको भी हम लोग इसमें फ्राई करेंगे थोड़ा सा। अब इसमें हम लोग जो दाल था ये हम लोग इसमें डाल लेंगे। एक बॉईल आने देंगे, ये अच्छा सा उबल गया है। अब इसमें हम लोग डाल देंगे 1 चम्मच, बड़ा 1 चम्मच देसी घी और इसको उतार लेंगे। देखिए ये अच्छा सा उबल गया है। अब इसमें हम लोग डाल देंगे 1 चम्मच, बड़ा 1 चम्मच देसी घी और इसको उतार लेंगे। लीजिए बनके तैयार है तेतोट दाल, यानी कि करेले और लौकी के साथ बना हुआ कड़वा दाल। आप बनाएं और बताएं कैसा बना।
अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। जो नए विजिटर्स है वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आगे के जो वीडियोज़ हैं वो आपको मिलते रहें। ये एक ट्रेडिशनल बंगाली डिश है, आप इसको ज़रूर बनाएं, ये बहुत ही स्वादिष्ट होता है खाने में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।